हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू फूड मैजिक। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड मलाई केक। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टोस्ट, कस्टर्ड पाउडर, चीनी एक कटोरी, इलायची, केसर और नारियल का भूरा। गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। शुगर सिरप बना लेते हैं अभी चीनी का। एक कटोरी चीनी, दो कटोरी पानी लगेगा इसमें। इलायची के दाने, दो इलायची डाल देते हैं। ये दूध है हल्का गर्म है, इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। दो चम्मच मिलाएंगे। कॉर्न फ्लोर है, एक चम्मच डाल दिया इसमें, इसमें मिक्स कर देंगे। इसको दूध में डालेंगे, धीरे धीरे हल्का हिलाते हुए। इसमें मलाई डालेंगे, दूध का जो मलाई होता है ना, वही है। इसको हिलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे में बैठ जाता है। चीनी डालेंगे मिठास के लिए, आधा कटोरी डालेंगे। कस्टर्ड पक गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। शुगर सिरप भी बन रही है, इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, चाशनी नहीं बनाना है। एक डब्बा ले लेते हैं कस्टर्ड केक बनाने के लिए। अगर केक का बर्तन है आप तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो बच्चों को लंच बॉक्स है उसमें बना सकते हैं। ऐसे घी से ग्रीस कर लिए हैं, चारों तरफ फैला लिए। इसमें टोस्ट डालेंगे, इसको इस तरह से सजाएंगे।
देखिए अच्छी तरह से तीनों एडजस्ट हो गया है। शुगर सिरप को डालेंगे इसमें ऊपर से। इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देंगे। कस्टर्ड के खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक बार इसको बना के खाओगे ना तो बार बार तो मन करेगा खाने का, बार बार बनाऊंगी इसे। एक मोटा सा लेयर डाल दिया इसमें। अब इसके ऊपर नारियल का भूरा डालेंगे। इसे खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। केक का केस इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। एक लेयर हो चुका है और इसके ऊपर एक कोट और डालेंगे टोस्ट। फिर से शुगर सिरप डालेंगे दूसरा कोट के ऊपर भी। इसके बाद कस्टर्ड और डालेंगे ऊपर से डालेंगे एक कोट। सजा देंगे इसको इस तरह से। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख देते हैं, उसके बाद निकालेंगे। दोस्तों हमारा कस्टर्ड मलाई केक बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। देखिए अब कस्टर्ड मलाई केक पूरी तरह से जम चुका है। अब इसे काट लेते हैं।
काटने के बाद अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।